गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिर जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक नया सर्टिफिकेट जारी किया गया है और एक नया पोर्टल को भी जारी किया गया जिसके थ्रू अब आप यहां से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे उस पोर्टल में साइनअप करना है, साइनअप करने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस पोर्टल की हेल्प से फ्रेंड आप यहां से इंटरनेशनल जॉब प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने इंडिया में कहीं भी जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं या तो फ्रेंड आप अपने सेलेक्ट लोकेशन के अनुसार जॉब सर्च करना चाहे तो जॉब को सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह फ्रेंड कि यहां आपको अपने स्किल के अनुसार जॉब मिल जाएगी और इसका सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। सो गाइस वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर करिएगा। इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन से लेकर जॉब में आप अप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से ऑफिशियल साइट में आ जाएंगे। यहां से आएंगे फ्रेंड तो यहीं से आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन एंड रजिस्टर का। पहली बार अगर आप इसमें विजिट करेंगे फ्रेंड तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहां से देख सकते हैं बोला जाएगा आप रजिस्टर कैसे करना चाहते हैं, यानी रजिस्टर्ड एज क्या है। आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे जॉब सीकर है या फिर एम्प्लॉय आप यहाँ से बनना चाहते हैं, लोकल सर्विस है, यहाँ से काउंसिल है या फिर जो भी रहेगा फिर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब सर्च करना चाहेंगे तो जॉब सीकर पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद फिर पूछा जाएगा यूनिक आइडेंटिटी आई यूनिक आईडी टाइप आपका क्या रहेगा। आप यहां से देख सकते हैं क्या चीज़ दे सकते हैं, इफ़ ये फोन नंबर दे सकते हैं, ई श्रम कार्ड नंबर, पैन कार्ड या फिर आपके पास इन तीनों में से कोई नहीं, आप अदर को भी यहां से सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा जहां से आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है और एम्प्लॉय एक्सचेंज आईडी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा फिर आप उस डॉक्यूमेंट को यहां से सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहां करेंगे एंड चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने डिटेल आ जाएगी जहाँ से आपको फर्स्ट नेम यहाँ से फिल करना है एंड लास्ट नेम मिडिल नेम यहाँ फिल करना है, लास्ट नेम आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर रहेंगे तो। स्टेट आपको क्या है फ्रेंड, आपको स्टेट के यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा आप स्टेट को यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें फ्रेंड आप सही से फिल करिएगा तो जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ से मिलने काफ़ी सारे चांसेस हो जाएंगे। फिर पूछेगा आपके फादर्स के नेम या फिर जो गार्जियन नेम है आपको यहाँ से डाल देना है। आपकी हायर एजुकेशन लेवल क्या है आप उसे यहाँ से फिल कर सकते हैं कि आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आईटीआई है, पीएचडी है, जो भी रहेगा आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात बोला जाएगा, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कम्प्लीट किया हुआ है आप उसे यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, पूछा जाएगा स्पेशलाइज यानी मेजर आप किस में हैं, यहाँ से देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है, कॉमर्स है, फिर फाइनेंस है, जो भी रहेगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाता है एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ से ईमेल आईडी को फिल करना है। इसके पहले फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का पूछा जाता है, आपको जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी रहेगा आपको यहाँ से उसमें टाइप कर देना। जैसे अगर आप एमपी बोर्ड से हैं या उसे सेलेक्ट करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ईयर कर रीड कर रहे हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो एमकॉम है किस ईयर में यहाँ से कंप्लीट किया हुआ है, वो ईयर क्या था और साथ ही साथ फिर वो मंथ क्या था जिस मंथ आपने इसे कंप्लीट किया हुआ है। नीचे आएंगे पूछा जाएगा मीडियम ऑफ एजुकेशन, आप किस भाषा से एजुकेशन को कंप्लीट किए, अगर हिंदी से किए रहेंगे तो आपको हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ कोर्सेज क्या है फिर, फुल है, पार्ट टाइम है, जो भी रहेगा सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में फुल है तो मैं यहाँ से फुल टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर पार्ट टाइम आप इसे करना चाहेंगे तो पार्ट टाइम को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं फुल टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ईमेल आईडी डालेंगे फिर जितने भी नई नई वैकेंसी आएंगे जो आपके यहाँ से प्रोफाइल क्रिएट रहेगा उसमें से मैच रहेंगे तो आपके पास डिटेल सेंड कर दिया जाता है। एंड नीचे आएंगे तो एक मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड आपको यहाँ से फिल करना है। पासवर्ड को आपको फिर यहाँ से सिंपली रीटाइप करना रहता है। फिर पूछा जाएगा चूज योर यूजर नेम, आप अपना यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, यूनिक आइडेंटिटी यानी UIDI नंबर रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी है या फिर NCS ID रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहेंगे आपको सेलेक्ट करना है। एंड एम्प्लॉय टाइप को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप रेगुलर हैं, टेम्परेली हैं, रेगुलर टेम्परेली हैं, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम, जो भी रहेगा आप किसको चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी स्किल्स के बारे में यहाँ से टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने देख सकते हैं बताया गया है कि नर्सिंग है, फार्मेसी में है, यहाँ से लेबोरेटरी है, जो भी रहेगा आप उस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड यहाँ आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं बताया जाता है आप अपना स्किल चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस है आप सेमी इंस्पेक्टर जो भी रहेगा आप चूज करेंगे, फार्मेसी लेबोरेटरी जो भी रहेगा। फिर यहाँ से पूछा जाएगा, फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब, क्या आप इंटरनेशनल जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर हैं फ्रेंड तो आप यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। अगर आप इंडिया में आप इसे नो करेंगे, अगर यस हैं, अगर आप यहाँ से पूरे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से पूछा जाएगा आप प्रेफर रीजन यानी आप किस सिटी को आप प्रेफर करना चाहते हैं, तो यहाँ साउथ अमेरिका देख सकते हैं काफ़ी सारी सिटी की लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ से देश के आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में नो है तो नो ही रहने देता हूँ। इसके बाद फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं सिक्योरिटी आपको यहाँ से टाइप करना है, सबको एक्सेप्ट करना एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही फ्रेंड आपके नंबर पे आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ईमेल आईडी में भी सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहां से टाइप करेंगे, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहां से सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से आ जाएगा, बोला जाएगा प्लीज टेक दिस द क्यूरी फॉर हेल्प एंड सर्वे ऑफ योर बेटर, यानी आपको यहाँ से सर्वे के लिए बोला जाए बेटर। यहीं से नीचे आएंगे फ्रेंड तो आप देख सकते हैं यहाँ से जॉब के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, जहाँ से बोला जाएगा जॉब लोकेशन आप ऑल इंडिया में जॉब को सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको सेलेक्ट लोकेशन के अनुसार करना चाहे सेलेक्ट लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिटी का नाम टाइप करके सर्च करना है। सबसे पहले हम आपको ऑल इंडिया जॉब दिखा देते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा कि ये कंप्यूटर है ऑपरेटर एंड अकाउंट ऑफिसर का, यहाँ से देख सकते हैं कंपनी है पावर्ड बाय द मॉन्स्टर, इसके अलावा यहाँ से क्लाइंट क्या है पावर्ड बाय द मॉन्स्टर के बारे में बताया गया, लोकेशन है मध्य प्रदेश, यहाँ से मैसूर है कर्नाटका, स्किल क्या क्या आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है, आपके स्किल के हिसाब से ये जॉब यहाँ से फ्रेंड निकाली जाती है। इसके अलावा फ्रेंड और आप यहाँ से देख सकते हैं बताया जाता है जॉब को अगर आप फाइंड करना चाहें और अच्छे तरीके से यहाँ से जॉब को फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से ऑनलाइन आकर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जॉब फाइंड करने के लिए फ्रेंड आप अपने स्किल को अपडेट करके जॉब को फाइंड कर सकते हैं। आप किसी सिटी में जॉब सर्च करना चाहेंगे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फ्रेंड भोपाल में सर्च करना चाहता हूँ तो भोपाल में जो भी रहेगी आप उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। भोपाल आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना किस भोपाल आप कर देखना चाहते हैं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भोपाल के बारे में जितनी भी जॉब रहेंगी आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आ जाएंगी। तो यही फ्रेंड आप इसे आके अपलोड भी कर सकते और जॉब भी अपना सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड आप अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आप सर्टिफिकेट भी इसका बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें आपको आईडी कार्ड दिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या, यहाँ से होम में आ जाना है। होम में आएंगे फिर तो यहीं से सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है NCS यानी नेशनल करियर सर्विस, आपको इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन कार्ड पे। तो यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जहां से आप देख सकते हैं बताया जाएगा कि आपको NCS आईडी क्या है, नाम क्या है, साथ ही साथ फिर आपको यहाँ से जो एक आईडी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर ये सारी चीज़ें इशू डेट कब की है उसके बारे में आप यहां से देख सकते हैं। यहीं से एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड आई कार्ड का, आप सिंपली डाउनलोड आई कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड डाउनलोड आई कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं जो आपका आई कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप इस प्रकार इसे ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से आई कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो। इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से आके इसमें नेशनल करियर सर्विस में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड कैसे आप इसे यूज करना है, आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अपने लोकेशन में कैसे जॉब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसका मैंने डिटेल में प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस दिखाया हुआ है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, मन में कोई सवाल रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड आपको यहाँ से टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करें और अपना सवाल पूछना यहाँ से ना भूलें, और फॉलो करके भी आप यहाँ से अपने सवाल को पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम में मैं अप टू डेट करता रहता हूँ तो इसे जाके ज्वाइन जरूर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, मैं आपके लिए जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ नोटिफिकेशन पहले आपको पहुँच जाएगा। एक नौजवान टॉपिक साथ मैं जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।